और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साले साधु यादव ने गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको याद होगा ये वही साधु यादव हैं जिन्होंने 2009 में भी अपने जिन्होंने 2009 में ही लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ा था, और 2009 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे उसके चंद महीने पहले ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ा था। और उसके उनके जाने के बाद फिर उनकी बहन राबड़ी देवी ने ये कहा था कि ठीक हुआ कि पार्टी से गंदगी साफ हो गई और गुजरात जा करके नरेंद्र मोदी से मिले हैं साधु यादव। ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और नरेंद्र मोदी से कौन कब कहां कैसे और कितनी देर तक मुलाकात करता है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर होती है और इसके कई मायने होते हैं। मेरे साथ मौजूद है अरविंद शर्मा फोन लाइन पर मेरे सहयोगी। अरविंद, मुलाकात के मायने क्या हैं, कितनी देर मुलाकात चली है, कहां पर मुलाकात हुई है? देखिए रसीद मुलाकात गांधीनगर में हुई है और करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात हुई है जिसमें साधु यादव थे, इनके अलावा एक और मंत्री थे गुजरात सरकार के, पूर्व कांग्रेस के कोई पदाधिकारी है दत्ते यादव, इनका कुछ नाम पता चला है। और इनके बीच कम से कम मोदी और इनके बीच 45 मिनट तक मुलाकात हुई और बड़ी खुशहाल मुद्रा में बाहर निकले। तो आने वाले दिनों में एक कयास लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं दल बदल का दौर एक बार फिर से दिखाई देगा और वो राजनेताओं की जब मुलाकात होती है तो राजनीति होना स्वाभाविक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।